ये जो मेरे बाजू में जो पेशेंट बैठे हैं ये बहुत दूर से आए हैं और लड़की की उम्र भी नहीं है, एक 16 या 17 साल की लड़की है और पिछले ये जब 9th में थी, 15 साल की थी, तभी से इनको तकलीफ है, घर वाले परेशान हैं। ये खुद से हंसती है, अपने आप से बातें करती है, कभी कभी घर से निकल जाती है, माँ बाप को तकलीफ देती है, मारने दौड़ती है उनके अंग पे। लेकिन कैसा है, देहात के लोग है, यहाँ से बहुत दूर है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से ये लोग आए हैं और इनको तकलीफ थी, इन्होंने हमारा वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में इनको पता चला कि ये डिसीज है। इनके घर वालों ने उनको बोला कि भाई ये डिसीज है, ये मेंटल इलनेस है, और उसके बाद में ये लोग हमारे पास में आए। अभी 7-8 दिन से ये लड़की एडमिट है हमारे पास में और काफ़ी उनको रिलीफ है। देखिए उनके माता जी से आपकी बात करा देता हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम आप लोग? पूजा भाई। पूजा भाई, हाँ। कहाँ से आए हो आप? हम से मराठी बोला हम चमोली लगे हो ना ले आए आम्मी। क्या तकलीफ थी इनको? तिने आम्हाला बरा 2 महीने झाले त्रास दिलेला आहे, रडती काही हसती काही आमच्याशी भांडण करती, मग आम्ही राग राग तिला हानमार केलेली आहे, आम्ही तिच्यावर खूप मेरी त्रास दिलेला आहे। आता परवाच्या दिवसपासून तिची तब्येत बरी आहे। देखिए अभी रोना आ रहा है उनको और 2 महीने से ये तकलीफ झेल रहे है। लड़की मारती है, घर से निकल जाती है, खुद से रोती है, खाना पीना कुछ नहीं है, नींद नहीं है, बहुत तकलीफ में है लोग, रोना आ रहा है उनको। और अभी हमारे यहाँ पे आने के बाद में कैसा लगा उनसे बात करते हैं अपन। आता कसं वाटतंय तुम्हाला? आता कालपासून चांगलं वाटायले, पण आता पुन्हा म्हणाली की ती आम्हाला घरा जायचं, आज खूप दिवसभर तिनं म्हणी घरा जायचं, कर्मनं घरा जायचं असं अशी म्हणत राहिली, पण आम्हाला वाटते की पुन्हा याचं काम पडू नये, उजूक असं 2-4 दिवस जर दबून राहिलं तर फार चांगलं होईल, आम्हाला डॉक्टरचे खूप असे आनंद वाटतील, आभार वाटतील, असं वाटेल डॉक्टर भेटले म्हणजे आम्हाला एखादा परमेश्वर भेटला। देखिए उनको अभी इतना अच्छा लग रहा है कि वो डिसीज क्योर हो गया ना, अभी अच्छी है लड़की, तो उसकी वजह से उनको रोना आ रहा है। और लड़की भी जो पेशेंट थी, जो आज तक बात भी नहीं करती थी, आज वो बात करने लगी है, बोल रही है कि अभी मुझे घर पे जाना है, जो लड़की को कुछ भी समझ नहीं रहा था वो लड़की अभी बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे छुट्टी दे दो, और उनकी माँ भी बहुत खुश है। देखिए ऐसे तरह के पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं, वो लड़की की उम्र सिर्फ 17 साल है और उनका पूरा जीवन अभी बाकी है, लेकिन पहले पता ही नहीं था कि ये डिसीज है। तो ऐसा अगर आपके बाजू में है कोई, आस पड़ोस में है, तो उनको हमारे यहाँ पे लेके आओ, उनका इलाज कराते हैं और उनके जीवन में खुशहाली लाते हैं। नमस्कार।